यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के मुंह पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट लेकिन करते पाकिस्तान हैं। में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि हलाला पर हलाला इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान, या मैं नाजिया हूँ? हम तो हम जैसी लड़कियां इन इन दाढ़ी टोपी वालों को इसलिए अखड़ते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि कुरान क्या बोल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है, और ये चिटिंगबाज मौलवी क्या बोल रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, ये अपने अपने कमाई की जगह को मान रहे हैं। इनकी कमाई कौन सी पार्टी से कितनी ज्यादा आती है ये उसी को मानते हैं। इनको इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहाँ से मिलता है ये उसको मानते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, ये नमाज की ईद जैसी नमाज की जगह पर प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच देना और उसके बाद चप्पल जूता पहन करके नमाज की जगह। तो सबसे अहम रही और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि एक ही घर में दो कानून कैसे चलेगा। यानी कि पीएम मोदी का इशारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि विरोधियों का उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक ही घर में दो दो कानून कैसे चलेंगे, और यूसीसी पर जो भी लोग लोगों को भड़का रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको उन्होंने कहा है कि हम इस राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस पर खासतौर से जो मुसलमान समाज में भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको बात करके और चर्चा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेगी। सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट जो जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं या जो तक्यानोसी जो बेकार नॉनसेंस इडियोटिक जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं उसको खत्म करने का एक बहुत खूबसूरत प्रपोजल है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ग्रेड, एक भारत और एक संविधान, एक हिंदुस्तान एक संविधान, ये मानने की अगर बात कही जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत छोटी सी चीज है कि जब हम एक घर में होते हैं तो हम सबके माइंड मैच होते हैं, कंपैटिबिलिटी मैच करती है, एक दूसरे के वाइब्स मैच करते हैं, तो वो घर बहुत सुकून से चलता है। और अगर मैच नहीं करता है तो उस घर में अशांति फैली होती है। तो देखिए, हमारे मौलवी मुल्लाओं में एक नेचर हमेशा से अंबर रहा है, आप भी झिलती आई हैं, मैं भी झिलती आई हूँ, और हम जैसी वोकल जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो झिलती आती हैं। ये हमेशा मुसलमान उन तबकों को गलत बातें सिखाता है जो वाकई में कुरान पाक को बामायने सही से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंबर, आपने और मैंने, हम दोनों ने संविधान भी पढ़ा है और हम दोनों ने कुरान भी पढ़ा है। अ पार्ट ऑफ हम लोग के प्रोफेशन की वजह से हम लोगों को और भी धर्मों की किताबों को पढ़ना पड़ता है, डिपेंड ऑन केसेस। तो कोई भी धर्म की किताब कुछ गलत चीजों को बताती नहीं है, ये मैं मानती हूँ। और मैं अपने इस्लाम से, मैं अपने कुरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो अब बात ये आती है कि अल्लाह और मुल्ला के बीच की ये जो लड़ाई चल रही है तो जीतना तो अल्लाह को चाहिए। और मैं नाजिया इलाही खान, पुश्त दर पुश्त हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन देती हूँ। और आज जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत डिटेल्स में बताया है कि जितने भी पिछड़े वादी के जो मुसलमान हैं या जिनके अंदर तालीम की कमी है, शिक्षा की कमजोरी है, उनको उनके पास ही ये मौलवी मुल्ला जा करके ऐसी ऐसी बातें रखते हैं। इनका मनोबल तब बढ़ जाता है जब उनको एक मेजॉरिटी में जाहिल मुसलमान मिलते हैं, अशिक्षित मुसलमान मिलते हैं, उनको वाहवाही देते हैं और उनके बताए हुए इडियोटिक फतवों को वो एक्सेप्ट करते हैं। और तब उनका मनोबल बढ़ करके तब फिर वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, एडुकेटेड लोगों के सामने भी वो बात रखने की हिम्मत कर देते हैं। देखिए, इसमें इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं कि एक जो पसमानदा टाइप के जो मुसलमान हैं उनकी मेजॉरिटी इनके हाथ से निकल जाएगी, दूसरा इनकी कमाई का जो रोजगार जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा। अंबर, आप हो या मैं नाजिया हो, हम तो हम जैसी लड़कियां इन दाढ़ी टोपी वालों को इसलिए अखड़ते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि कुरान क्या बोल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है, और ये चिटिंगबाज मौलवी क्या बोल रहा है। तो इसमें जो हम पूरे वर्सेस के साथ
कुरान के साथ, संविधान के आर्टिकल्स के साथ बता देते हैं, ये इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है, इनको बहुत बुरा लग जाता है। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इमीडिएट इसको लेकर के आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी बातें बोली हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका भी कोई मैटर शायद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो पॉलीगेमी हलाला पर मेरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे जितने भी इडियोटिक और नॉनसेंस रिचुअल्स हैं उनको खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करना चाहिए और तुरंत अवेयरनेस का एक काम शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमने ट्रिपल तलाक बंद करवाया था उसके बाद अवेयरनेस आते आते 3 साल लग गए थे। अब जाकर के पता चला है कि एक पार्लियामेंट से बिल आया है जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है, ये जो तलाक तलाक एफिडेविट पेपर पर बोलता है या फोन पर बोलता है ये नहीं हो सकता है, फिर थाना नहीं मानने को तैयार था, फिर थाना को हम लोगों ने मनवाया, तो ये अवेयरनेस फैलाने में भी काफी अर्सा लग जाता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और जितने भी दकियानूसी कारोबार चल रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। जी नाजिया, आपने बहुत अहम बात कही, और जिस तरह से हमने देखा कि अभी बीते कुछ दिनों पहले कानून मंत्री और प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी मैनिफेस्टो की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राथमिकता रहा है, लेकिन जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है या इसके के ऊपर चर्चा शुरू होती है तो जो मुस्लिम समुदाय है या ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक तरफा ये बयान आता है कि धर्म में, दीन में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल मैं आपसे इसलिए यही कर रही हूँ कि अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म है, तो सिविल लॉ यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर धर्म में मुदाखलत किस तरह से हो जाएगी? मैं अमर चाहूंगी कि आप मुझे कम्प्लीटली 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं एकदम डिटेल्स में कुरान के वर्सेस के हिसाब से और संविधान के आर्टिकल्स के हिसाब से मैं व्यूअर्स के सामने इस बात को रख सकूं। ठीक है, हमारा कुरान कहता है सूरह अल बकरा वर्सेस 2.230 में कि हलाला जो है इज अ सिन, कि हमारा कुरान कहता है, पर हमारे मौलवी मुल्ला पैसा लेकर के हलाला करवाते हैं, पर कुरान इसको सिन कहता है। कुरान ने कहा इकरा, पहला वर्ड। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी इंक्यूजिटिवनेस आ जाती है कि कुरान का जब हम बुक खोलते हैं, किताब खोलते हैं, तो इकरा हम लोगों को पहले नहीं मिलता है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। तो इकरा मतलब पढ़ो, जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं कही गई है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि पढ़ना, अगर तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ। वो एक एग्जाम्पल था कि तालीम हासिल करनी है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि मुसलमान औरतों को नहीं करना है, मुसलमान मर्दों को करना है। तो ये पढ़ने नहीं देते हैं मुसलमान औरतों को जान बूझ करके, क्योंकि ये एक्सप्लोर हो जाएंगी, ये संविधान पढ़ लेंगी, ये बाकी किताबें पढ़ लेंगी, तो ये हमें काउंटर कर पाएंगे जैसे अभी मैं और आप अंबर कर पाते हैं। अब मैं तीसरे पर आती हूँ कि सूरह अन-निसा में कहा गया है जेंडर इक्वालिटी की बात। ये कुरान का सूरह अन-निसा है जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है, और संविधान भी हमारा जेंडर इक्वालिटी की बात कहता है। अब मैं आती हूँ सूरह अहज़ा में, सूरह अल अहज़ा, इसमें चैप्टर 33 वर्सेस 59 में साफ तरीके से कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेंजर ने आकर के कहा था, फरिश्तों ने आकर कहा था कि अपने अपने घर की बहू बेटियों को तन ढकने की बात बताई गई थी, जिसमें एक अरबिक वर्ड यूज किया गया था जिलबाब। कुरान में शायद 30 या 32 बार इस सूरह अल नूर में और सूरह अल अहज़ा में इसका जिक्र है, 30 या 32 बार। जिलबाब नाम का एक अरबी था जिसका मतलब होता है लूस कपड़े। Absolutely. लूस कपड़े, जिसमें बुरका, निकाब, हिजाब, अबाया, ऐसी कोई भी वर्ड यूज नहीं किए गए थे। लूस कपड़ा, लूस आउटर फिट, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं ढीला ढाला कपड़ा, ये औरतों को पहनने के लिए बोला गया था। अब आते हैं मजार परस्ती पर, जिसमें जिस पर सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्लाओं की दुकान चल रही है, चाहे वो अजमेर शरीफ देखिए, चाहे वो सैयद बाबा का मजार देखिए, चाहे वो मौला अली शाह का मजार देखिए, बहुत सारे ऐसे मजार हैं जो धूम धड़ाके से चल रहे हैं और जिस पर बहुत ज्यादा कारोबार मचाया जा रहा है और लंबी कमाई हो रही है। अबू मर्तहत जो मैसेंजर थे अल्लाह के और जो हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद के पास इबादत के वक्त आया करते थे, उन्होंने कहा था डू नॉट सिट अपॉन द ग्रेव एंड डू नॉट प्रे टूवर्ड्स देम। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया था और उन्होंने साफ लफ्जों में, जो कुरान में बताया गया है, साफ लफ्जों में कहा था कि जो वर्शिप करते हैं मजार का उनके ऊपर कर्स होता है।
उनके ऊपर कर्ज होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजें तो मैंने कुरान से बताई है, ये सारी चीजें तो मैंने कहीं और से संविधान से तो निकाल कर बताया नहीं है, मैं तो आपको वर्सेस भी बता रही हूँ, चैप्टर भी बता रही हूँ, पारा भी बता रही हूँ। अब देखिए हलाला में मैं फिर आऊंगी कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के मुंह पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसी बात पे मैं आ रही कि हलाला पर हलाला इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान, वहां पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। सऊदी अरबिया में एक्शन लिए जाते हैं हलाला और पॉलीगेमी पर। आपको आपको स्पेसिफिक रीजन बताया जाएगा। तलाक हमारे 14 मुस्लिम ममालिक में तलाक बैन किया गया है। हमारे कुरान ने भी कहा है कि तलाक जो है वो गलत चीज है, जिस घर में तलाक होता है उसमें फरिश्तों की आमद नहीं होती है। तो हमारे देखिए एडुकेशन लीगल राइट हमारा संविधान कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हमारा संविधान कहता है, फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा संविधान कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा संविधान कहता है। हमारे आर्टिकल्स कितने खूबसूरत है, 14, 15, 19, 21, 17, ये सारे आर्टिकल्स हमारे कितने खूबसूरत है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अंबर, उन तमाम मौलवी मुल्लाओं से, कि आप किससे लड़ रहे हैं? आप डायरेक्ट अल्लाह से लड़ रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप मुल्ला हैं और हम आपकी बात मान लें? हम अल्लाह को ना मान करके, अल्लाह के कुरान को ना मान करके हम मुल्ला को कैसे मान सकते हैं? हमने तो कुरान बामायने पढ़ा है, हमने तो कुरान को समझा है, हमने तो कुरान को पूरे तरीके से सर्च किया है। हम एक एक वर्सेस और एक एक चैप्टर को हम खोज खोज के पढ़ रहे हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं ये जो दाढ़ी और टोपी में हमको नजर आ रहे हैं कहीं ये तो सही नहीं है, कहीं हम गुनाह तो नहीं कर दे रहे हैं। पर बाद में यही निकलता है कि नहीं भाई, गुनाहगार तो ये दाढ़ी और टोपी वाले हैं जो फातिहा पढ़ने का 151 रुपया ले लेते हैं, जो अगरबत्ती जलाने की बात करते हैं, जो हलवा बनाने की बात करते हैं शबे बारात में, जो रिसाइटेशन को चेंज कर दिया है उन्होंने हरी बत्तियों पर और चांद और सितारा के झंडों पर, जिन्होंने इस्लाम को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मैं कहती हूँ कि आप किसको कहते हैं काफिर? ये जो मौलवी मुल्ला है, ये हमारे हिंदू भाई बहनों, ये सनातनियों को काफिर क्यों कहते हैं? हजरत इमाम हसन हुसैन का कत्ल किसने किया था? यही इस्लाम वाले, यही दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं ना कि सबसे पहले इस्लाम आया था, तब तो हिंदू इनके हिसाब से थे नहीं, तो उनका कत्ल तो मुसलमान ने किया था, ये तो कुरान गवाह है ना। बीबी मरियम अलैहि सलाम की प्रेगनेंसी जो बिना मर्द के हुई थी, एक करिश्मा हुआ था अल्लाह की तरफ से, तो बीबी मरियम को इतना डिफेम किसने किया था? मुसलमान ने किया था ना। हजरत नूह अलैहि सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो उस वक्त जो बहुत बारिश का जो एक मंजर दिखाया गया था, जो कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, उनका मजाक कौन उड़ाया था? उनका मजाक कौन उड़ाया था? ये मुसलमान ही उड़ाए थे ना। तो ये अपने से अपने आप की मुलाकात करने में इन मौलवी मुल्लाओं को शर्म आती है क्या? खुद से खुद की मुलाकात करने में शर्म आती है? आप किसको कह रहे हैं काफिर? आप हिंदुओं को काफिर बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? कुरान और इतिहास के पन्नों को उठा करके आप बताएं। ये सारे मौलवी मुल्ला को अगर ताकत है, हिम्मत है, तो हम जैसी लड़कियों से सामना करके बता तो दे कि कैसे हुए ये काफिर, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है, उस वक्त तो कोई हिंदू था ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं। तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट और इतने बड़े बड़े प्रॉफिट की बेटियां, इनका जो जिक्र कुरान में किया गया है कि इनको डिफेम किया गया है, इनको मलाइन किया गया है, तो इसको किसने किया? मुसलमान ने ही किया है ना। तो आप अपने आप को काफिर क्यों नहीं बोल देते हैं? आप क्यों नहीं कह देते हैं कि आप आज से गलत नहीं है, एक जमाने से आप गलत होते हुए चले आए हैं, आपकी रगों में टेररिज्म है, आप टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। अंबर, हम और आप जैसी लड़कियों को सामने आना जरूरी है, हम जैसी लड़कियों को अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। ये बात शायद आज आपके चैनल के माध्यम से, मुझे लगता है कि अगर 10,000 भी मुसलमान लड़कियां देख लेती हैं तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग का पट्टा खुल जाएगा। और अगर मुझे करेक्शन करना चाहती हैं तो जो वर्सेस और जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं या जिन प्रॉफिट्स और बीबी मरियम के बारे में मैंने बात कही है, वो कुरान में वो सर्च कर ले कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तो बिल्कुल एकदम आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है, और जो हमें कहना चाहिए बदकिस्मती
कि क्योंकि मुसलमान महिलाओं के अंदर एजुकेशन की कमी रही, जिसकी वजह से, और कुरान अरबिक में रहता है जिसका मतलब अक्सर लोग समझते पढ़ते नहीं है, सिर्फ उसको अरबी में पढ़ते रटते हैं और बराबर इसी तरह से पढ़ते रहते हैं, कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ दूसरे ही लोगों के ओपिनियन से कुरान को, इस्लाम को समझा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जो बात आपने कही कि खुद से हमें दीन को, कुरान को समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती हैं वो भारत में महिलाएं और बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के बच्चे और महिलाएं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि महिलाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दों पे काम करते हैं, साथ ही सरकार जो इस पे काफ़ी मुखर होकर नज़र आ रही है और आगे इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर रही है, क्या माध्यम हो सकते हैं और किस तरह से हम महिलाओं तक पहुँच सकते हैं? देखिए, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तीन तलाक के वक्त में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, हलाला और पॉलीगैमी के चीज़ों को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान ने हमारी मुस्लिम महिलाओं को कितनी फैसिलिटीज दे रखी है और कितने उनके पास जगह है कि वो अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएँ जो पसमानदा इलाके में रहती हैं या पसमानदा हैं उन तक ये बातें नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि यही मौलवी और मुल्ला उनको एडुकेशन की तरफ रुझू नहीं करते हैं, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं देते, घर पर कह दिया जाता है जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके रिश्ते नहीं करते हैं, ये धमकियों में उनको दबा कर रखे रखा जाता है। देखिए अमर, मैंने तो एक जंग छेड़ रखी है, मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहूंगी कि मैंने तो एक जंग छेड़ रखी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं 60 साल की हूँ, मैं अब 70 साल की हूँ, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक न्यूज में आया है मेरी उम्र 60 साल की और मैं छुपाती हूँ और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है इसके लिए, और मैंने 5-5 हिंदू मर्दों से शादी कर रखी है और फिर भी मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है। तो मैंने कहा भी है कि अब इस बार शादी या बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी तो। अच्छा, आप 60 साल की हो तो क्रीम कौन सी लगाती हो मुझे भी बता दो, भारत के हर महिला को पता होना चाहिए। मैंने कहा कि ये तो जलवा है नाजिया के 60 साल में भी लड़के पढ़ जा रहे हैं भाई और शादी मेरी हो जा रही है 5-5 लोगों से, माशाल्लाह एकदम चमक रही है 60 साल में भी। तो देखिए, हमने संडे के दिन हमने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को एक मस्जिद में एंटर होते हुए देखा है जी। ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे, बहुत महिलाएं सुनेंगी। मस्जिद में 2015 से लेकर के 2023 तक में जितने भी मुस्लिम रिलीजियस प्लेस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एंटर किया है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा अगर कि वो बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी पुलिस के वो अंदर एंटर करते हैं और हमारे मुसलमान के रिलीजियस प्लेस को वो अपने अपने आप से बहुत ज्यादा एहतराम के साथ वो उस मोमेंट को वो जीते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि आप भी इंडिया से हैं और मैं भी इंडिया से हूँ। एवरी ईयर ईद की नमाज में कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सिर्फ ईद की नमाज में यहाँ पर प्रोवोकेटिव और पॉलिटिकल स्पीच करवाती है जो बियॉन्ड द कुरान है, बियॉन्ड द इस्लाम है, क्योंकि एक पवित्र और पाक जगह पर आप ये नहीं करवा सकते। जो सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज है कि उस मंच पर सब मुसलमान होते हैं, जो मिनिस्टर है स्टेट का वो मुसलमान है, जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मेंबर है वो मुसलमान है, और वो लोग जूता चप्पल पहन करके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस भी जूता चप्पल पहना रहता है और वो लोग उसमें एंटर करते हैं। अच्छा, मस्जिद के अंदर। चाहती हूँ कि ये जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतनी आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने 87 लेटर्स भेजे हैं, 87 एंड आई हैव प्रूफ कि मैंने उनको भेजा है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। उन्होंने क्यों नहीं कोई नोटिस इशू किया, उन्होंने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा? मेरा ये मैटर पहले हाई कोर्ट में था, मुझे सेटिस्फैक्ट्री यहाँ से ऑर्डर नहीं मिला, अभी ये मैटर मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, स्कूटनी में है। तो अभी आप देखिएगा इसमें भी सुप्रीम कोर्ट चप्पल पहनने के पक्ष में लड़ेगा, नमाज की जगह पर चप्पल पहनने के पक्ष में लड़ेगा। तो अब इससे आप समझना पड़ेगा और तमाम व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि ये इस्लाम और कुरान को नहीं मान रहे हैं, ये अपने अपने कमाई की जगह को मान रहे हैं। इनकी कमाई कौन सी पार्टी से कितनी ज्यादा आती है ये उसी को मानते हैं,
इनको इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहाँ से मिलता है ये उसको मानते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये नमाज की ईद जैसी नमाज की जगह पर प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच देना और उसके बाद चप्पल जूता पहन करके नमाज की जगह पर जाना, ये तो हर एक मुसलमान को मुंह से बोलना चाहिए था कि ये गलत है। बिल्कुल। और खड़े हैं, मैं शिकायत यहाँ के चीफ मिनिस्टर से नहीं करूंगी क्योंकि वो हिंदू ब्राह्मण है, उनको नहीं पता इस्लाम के बारे में। मैं उस मंत्री से करूंगी जो मुसलमान है, मैं उस मुल्ला से करूंगी जो उनके पीछे खड़ा था, मैं उस मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिलर से करूंगी। ये बात तो भारत जैसे देश में जहां पर धर्म प्रधान देश कहे, धर्म का सम्मान किया जाता है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जूता चप्पल लेकर तो हम जाते ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म में हो आप जा ही नहीं सकते, जूते चप्पल सब बाहर निकाल के जाते हैं। इनफैक्ट गुरुद्वारे में तो आप सॉक्स भी नहीं पहन के जा सकते। मैं आपको इस डिबेट में कह दे रही हूँ कि आप और व्यूअर्स गूगल में सर्च करके देख लीजिए, आई एम रॉन्ग, एनीवन कैन। नहीं, मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये बात तो हम सब, हर एक बच्चा जानता है, दो चार साल को सुबह पता है कि अगर हम कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो जूता चप्पल निकाल कर जाएंगे। अंबर, आप ये बात मुझसे डिस्कस कर रही हैं पर इसमें देखने वाले व्यूअर्स बोल देंगे कि ये झूठ बोल रही है, तो इसलिए मैंने ये बात कहा है कि अगर आप गूगल में जाकर के देखेंगे, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2023 में जो हमारा ईद हुआ था उस ईद की नमाज को निकाल लीजिए, कोविड से पहले जो ईद की नमाज हुई थी कलकत्ता रेड रोड पर, उसको निकाल कर देख लीजिए, बजाफते जो पुलिस है वो जूता पहना हुआ है, हमारे सीएम है वो जूता वो चप्पल पहनी हुई है, और जितने भी मुसलमान मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेता लोग हैं वो जूता चप्पल पहन करके खड़े हुए हैं। अच्छा, अब बताइए कि हम मोदी जी को ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या ऐसे ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों को ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? डेफिनेटली मोदी जी को रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि वो तो हमारे धर्म को, हमारे कुरान को नहीं पढ़े, लेकिन वो मान सम्मान दे रहे हैं, वो इज्जत दे रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा